महिलाएं यहां मौजूद हैं, सब ये कहेंगे कि आज की शाम मोहब्बत के नाम, क्योंकि शाहरुख खान स्टेज पर है। तो फिर अगर किसी लड़की को यहां पर से किसी को प्रपोज करना हो तो क्या होना चाहिए तरीका? शाहरुख खान कैसे प्रपोज करते हैं? सी ये आम वो बेस्ट तरीका होगा, ये आम मर्द लोग करते हैं कि मैं ऐसा प्रपोज करता हूं। मैं जो भी महिला है, जो भी लड़की है, माँ बहन जो भी हैं, वो मुझे कहें कि ऐसे प्रपोज करो तो मैं वैसे करूंगा। मैं तो आपका होता ना एफएम पे, आपका ओए है आप लोगों का? हाँ, हाँ, तो ओए एफएम पे ना फरमाइश, झुमरी तलैया से बिट्टू चिन्नू मीनू पिंटू टिंटू इन सब की फरमाइश है, तो मैं उस फरमाइश की तरह प्रपोज कर, आप मुझे बोलें शाहरुख मुझे इस तरह प्रपोज करो। आप शादीशुदा हैं जी, सो आपको नहीं करूँगा, सबके सामने तो नहीं करूँगा, कभी अकेले में मिलिए मुझको। हाँ। जर्नलिस्ट हैं इसलिए कहूंगा लिफ्ट में मत मिलेगा मुझको, क्योंकि लिफ्ट में आज शाहरुख की वो इस तरह की बात करेंगे। आप लोगों ने वो गाना था एक हमारे अदनान सामी का, उसका मीनिंग ही बदल गया, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे उसका, दैट सॉन्ग विल नेवर बी द सेम अगेन। बट जोक्स अपार्ट, व्हिचएवर वे यू वुड लाइक, आपको कोई अच्छा लगता हो किसी के लिए तो मुझे कहें, मैं जरूर वैसे प्रपोज करूं। वो जो डायलॉग है, जब तक है जान तेरे आंखों की नमकीन, उस पे मोटरसाइकिल पे चल के आना पड़ता है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, हस्बैंड देखना मत बिल्कुल भी, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। मेरी शाम तो बन गई, लेकिन आप सब इंतजार में रहिए क्योंकि शाहरुख अभी आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आज जो ऑडियंसेस यहाँ पर हैं वो सब लंबे वक्त से सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आप यहाँ पर आएंगे और उनसे इंटरेक्ट करेंगे। नो प्लीज, आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीवन, वन इफ आई से एनीथिंग जो गुस्ताखी हो मुझे पहले माफ कर लीजिएगा। तो पहली माफ़ी मांग लूँ कुछ गलत बात बोल दूँ मैं तो, और दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा आज तक है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड इंडिया टुडे हैज़ ऑलवेज डन सम ऑफ द नाइसेस्ट मोस्ट वंडरफुल थिंग्स, ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद दिस, गूगल एंड ब्राइज ग्रुप, मैं कह देता हूँ कभी भी साइन कर लें कुछ पता नहीं क्या शाहरुख ने गूगल का नाम लिया था, साइन कर लो इसको ब्रांड एम्बेसडर। But honestly speaking, I know you guys have been having very serious discussions. So I'm the jester for you. So anything you want to do, I've come to entertain you. Don't ask me serious stuff and I won't lie to you. Have fun with me, joke with me, whatever you wish, I'm at your service. And especially Arun saab. Kahan Arun saab, kahan pe? Haan, Arun saab kam smile karte hain tension mein, bahut bade media mogul ban chuke hain. To thoda khush karne ke liye aaya hoon main. Think of me like, kaun tha wo abhi jo aaya pehle? Nahi. Guthi. मैं आप लोगों का सुपरस्टार गुत्थी हूँ। सुपरस्टार, और इसी से मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सलमान खान ने भी मान लिया कि आप अल्टीमेट रोमांटिक हैं, करण जौहर के शो में उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने वो जो हाथ आप ऐसे उठाते हैं वो भी किया और कहा यू आर दी अल्टीमेट रोमांटिक, क्या एहसास है? देखिए वो जो बोलते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। मैं हम्बली उनकी ओपिनियन को मानता हूँ, और मैं मुझे नहीं लगता था कि मैं रोमांटिक हीरो, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। उन्होंने ये कहा कि जब करण ने उनसे बोला कि अगर आप सोते हैं और सुबह उठें और आप शाहरुख बन जाएं, तो उन्होंने पूरा इमिटेट किया कि वो सुबह उठे और क्या क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने आपका वो हाथ वाला स्टेप भी किया। तो अगर शाहरुख खान सो जाए और सुबह उठे, नींद खुले और वो सलमान खान हो, तो कैसे करेंगे? तो मैं उनकी कॉपी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बट मैं जो हूँ मैं तो एक्चुअली सोता ही नहीं हूँ, तो उठने का बात ही नहीं होती मेरे पास, आई डोंट स्लीप ओनली। एंड पता, मैं आपको सच बताऊँ, जो लोग कहते हैं, जो दूसरे प्रोग्राम पे कहते हैं, आपका प्रोग्राम है स्टार वर्ल्ड तो नहीं है, आप तो उससे बड़े चैनल हैं, आप क्यों दूसरों की आप प्रमोशन कर रहे हैं? हम बात करते हैं ना, हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए
हम नया प्रोग्राम करते हैं चाय विद इंडिया टुडे, लस्सी छाछ विद इंडिया टुडे या समथिंग. क्या दूसरों के प्रोग्राम दूसरे चैनल्स को आप लोग. तो बात शाहरुख खान की ही करते हैं. आप बताएं, आप सुबह उठें, आप क्या बनती हैं, मैं क्या बनूं, तो हम बात करेंगे. हस्बैंड तो नहीं है ना यहाँ पे यार. पर अब आपने खुद कहा आप सोते नहीं हैं, और ये क्यूरियोसिटी कई लोगों को है कि ये एनर्जी लेवल शाहरुख खान कहाँ से लाते हैं. पता कोई कहता है 3 घंटे सोते, प्लीज क्लियर कर दीजिए आज कि शाहरुख खान सोते हैं. आप बड़ी इंटरेस्टेड हैं मेरे सोने के हैबिट्स में. मुझे बता दो, रात को 3 घंटा सोते हो या 4, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 7 या 8 घंटे ही हैं. आई मीन कम ऑन, aren't you ashamed? आप एक नारी हैं, हिंदुस्तानी नारी हो, कैसे सवाल पूछ रही हैं मुझसे. मैं 5 घंटे सोता हूँ, और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं. और आई लाइक दैट, एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज. मुझे ऐसा लगता है. और मैं अगर यहाँ पे कोई यंग लोग हैं, मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई, सॉरी. हाँ, एक्चुअली बिना ऐनक के सभी यंग लग रहे हैं, सब यंग हैं, मेंटली सब यंग. या सो आई वांट टू टेल यू कि क्योंकि मैंने सुना है जो हमारा ये एजेंडा आज तक है उसमें सक्सेस की बात है. मैं थोड़ा सा लकी भी रहा हूँ, जिंदगी में अच्छी चीज़ें हो गई. हम मुंबई में बोलते हैं निकल पड़ी, तो मेरी निकल पड़ी है. लेकिन क्योंकि अब निकल पड़ी है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी एडवाइस वगैरह दूँ यंगस्टर्स को. टीवी पे आएगा. सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी. एक तो खाना मत खाइएगा, प्लीज़. खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है. यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, तो जो जो बातें 5-स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स, टुंग टोंग टिंग टोंग टिंग टंग, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा. देर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो. आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ. So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम, ये आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की. दूसरी बात, अगर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे. जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके. जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ. 6-पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट, बट आई सेक्रीफाइस इट ऑल. थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतज़ार नहीं करेगा. तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा. तो ये सब बातें बेकार हैं. और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, ज़िंदगी जो है इज़ बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट. आई फील जेलस ऑफ पीपल हु डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. Because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. तो शाहरुख का मंत्र है कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो नींद उड़ा दे. आप अगर अगली बार आपने नींद की बातें की तो मुझे लगेगा कि बिल्कुल कुछ दाल में कुछ काला है, अंजना मैं बताना चाहता हूँ मैं, एंड मैं हैरासमेंट के लिए रिपोर्ट कर दूंगा. ये दो बहुत बेसब्र इंसान दिख रहे हैं स्टेज पर, यहाँ सामने ऑडियंस में, और लुंगी भी पहनी हुई है इन्होंने, और ये चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी की मदहोशी में झूमना चाहते हैं आज, और झूमना चाहते हैं शाहरुख खान के साथ. लड़के हैं, आपकी इजाजत हो. ये अच्छा है, दिल्ली में बुला के लड़कों के साथ नचवाओ. आ जाओ यार. तो लकी और अपार शक्ति. ओहो, का दूसरा कहीं की दिख रहा है मुझे, लुंगी के अंदर दूसरा वाला, बाई तरफ से भागता हुआ आ रहा है सर. लुंगी संभाल रहा था अपनी में. वालेकुम सलाम. सी फाइनली कितनी भी इंटेलेक्चुअल गैदरिंग हो, घूम फिर के वो लुंगी डांस पे आ जाते हैं. सक्सेस का मंत्र क्या है, आप क्या करते हैं? छोड़ो यार, लुंगी डांस करो, दिखाओ, नाचो गाओ, घर जाओ. सो आर वी ऑल रेडी फॉर सम लुंगी डांस? दिस
मूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के।